हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आई एस। माई नेम इज़ आयुष मेटी। इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एपिसोड 21 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कान्वा डायनेस्टी और सतवाहाना डायनेस्टी के बारे में। हमने पिछली वीडियो में शुंगा डायनेस्टी को कवर कर लिया था। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे सभी NCERT सब्जेक्ट्स के MCQ फॉर्मेट में वेरियस कोर्सेज आते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। कान्वा डायनेस्टी के बारे में बताने से पहले मैं आपको मैप दिखा दूं। शुंगा डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा था, इसके बाद यहाँ पे कान्वा डायनेस्टी आई थी। और मैंने बताया आपको कि शुंगा डायनेस्टी से पहले भी मौर्य एम्पायर था, तो मौर्य एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो शुंगा ही, शुंगा के बाद कान्वा आया, और इस साइड मौर्य के बाद सतवाहाना एम्पायर पैरेलली चल रहा था। ठीक है, सतवाहाना एम्पायर इधर चल रहा था। कान्वा डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। ब्राह्मणिक ओरिजिन था इनका, और इनके फाउंडर थे वासुदेव कान्वा फाउंडर थे। और शुंगा डायनेस्टी का इन्होंने जो है आरंभ किया, शुंगा लास्ट रूलर था देवभूति, उसको मार के देवभूति करीब 72 BC में इन्होंने शुरुआत की। 72 BC में शुरुआत हुई और 28 BC तक चली। कान्वा डायनेस्टी की कैपिटल पाटलिपुत्र रही थी, हालांकि उनके जो सिक्के जो कॉइन्स थे विदिशा के आसपास भी मिले थे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कान्वा डायनेस्टी के मेजर रूलर्स आपके सामने हैं, वासुदेव कान्वा, भूमिमित्र, नारायण और सुसरमण। मैंने कहा कि वासुदेव कान्वा जो थे शुंगा के लास्ट रूलर को इन्होंने मारा था और ये डायनेस्टी चलती गई। भूमिमित्र वसुदेव कान्वा के बाद आए, 14 साल इन्होंने राज किया, फिर इनके बेटे नारायण आए और लास्ट कान्वा किंग थे सुसरमण। अब ध्यान रखना कि सतवाहाना डायनेस्टी भी अब आ चुकी थी, और सतवाहाना डायनेस्टी भी अब जो जगह थी वेस्टर्न इंडिया वाली, उस पर उन्होंने जो है कब्जा करना शुरू कर दिया था। और कान्वा जो लास्ट किंग था सुसरमण, उसको तो सतवाहाना किंग ने मारा था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से कान्वा डायनेस्टी का भी एंड हुआ था, और सतवाहाना डायनेस्टी अब धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। सेकेंड सेंचुरी AD तक ये रही थी, 235 BC से इसकी शुरुआत हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि लेट हुई थी, खैर डेट पे नहीं जाना, वेरी होती रहती है। थीम एक आप बस आइडिया रख लो किसी चीज़ का। और फाउंडर कौन था सतवाहाना डायनेस्टी का? सिमुका फाउंडर थे सतवाहाना डायनेस्टी के। इनकी कैपिटल हमेशा अलग अलग जगह रही है, प्रतिष्ठान भी थी और अमरावती भी थी। प्रतिष्ठान को पैठान भी कहते हैं। सतवाहाना जो किंगडम था उसके, अगर मैं आपको एरिया बताऊं तो आप ये देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, आज का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र तीनों आ गए इसमें, देख सकते हो आप। ठीक है, जब ये रूल कर रहे थे तो कुछ कुछ पार्ट कर्नाटका, गुजरात और मध्य प्रदेश का भी था, मैप में आप देख सकते हैं, अच्छा मैप है वो। ये पहले रूलर थे जिन्होंने अपने कॉइन्स इशू किए अपने रूलर्स के पोर्ट्रेट में, इंडियन रूलर्स। इंडो ग्रीक्स हम पढ़ेंगे अभी आगे, उन्होंने भी ऐसा ही किया था, लेकिन इंडियन रूलर्स की मैं बात करूँ तो पहले ये इंडियन रूलर्स थे जिन्होंने, हमारे खुद के जो राजा जिन्होंने कॉइन्स इशू किए रूलर्स के पोर्ट्रेट्स पे, उनकी जो रूलर्स की वहाँ पे प्रतिमा उस कॉइन पे थी, उस पे फोटो थी, इंस्क्रिप्शन था, इंस्क्राइब थी फोटो। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने इसकी शुरुआत की थी, और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सतवाहाना डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो सिमुका थे, और गौतमीपुत्र सतकर्णी एक बहुत अच्छे रूलर थे, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। उन्होंने इस प्रैक्टिस की शुरुआत की थी। प्रकृत लैंग्वेज में इनके कॉइन थे, कुछ कॉइन्स तेलुगू, तमिल और कन्नड़ में भी थे। अब संस्कृत के ज़्यादा इन्होंने प्रकृत को ज़्यादा महत्वता दी, प्रकृत को, और ऐसा नहीं था कि ये ब्राह्मण थे तो बुद्धिज्म को बिल्कुल नकार दिया था। बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म को एक ही तल पर, एक ही लेवल पर रख के ये उनको प्रमोट करते थे, सपोर्ट करते थे, हालांकि वो थे हिंदू और ख़ुद को ब्राह्मण बताते थे। तो हालांकि
एक चीज़ आप समझिए, ये खुद को ब्राह्मण कहते थे और राज करते थे और वर्णा सिस्टम को मानते थे, जबकि वर्णा सिस्टम में क्या था, राज कौन करेगा, क्षत्रिय, ब्राह्मण राज नहीं कर सकता। तो वर्णा सिस्टम को भी मानते थे और खुद राज भी करते थे ब्राह्मण होके, तो बात थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी सी है। हालांकि हिस्ट्री है तो हम ज़्यादा इस पर रिपीट नहीं कर सकते, जो फैक्ट है आपके सामने फैक्ट है। फॉरेन इन्वेडर्स को सक्सेसफुली इन्होंने पराजित किया और कई युद्ध सकास के साथ इन्होंने लड़े। सतकर्णी फर्स्ट आपके थर्ड रूलर थे, सतवाहना किंग, और सतकर्णी फर्स्ट पहले रूलर भी थे जिन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से अपना एम्पायर एक्सपेंड किया। खरवेला किंग कलिंगा का, जो उड़ीसा में है, उसकी मौत के बाद कलिंगा को कॉन्क्वायर कर लिया और शुंगास को भी काफ़ी दूर तक धकेल दिया। मध्य प्रदेश में भी कुछ पार्ट्स में इन्होंने राज करना शुरू किया। गोदावरी वैली को कब्जे में लेकर सतकर्णी फर्स्ट ने उसका नाम लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ रख दिया। इनकी क्वीन थी नयानिका, जिन्होंने नानेघाट इंस्क्रिप्शन लिखा था और किंग को दक्षिण पथी बताया था। ठीक है, अश्वमेध ये यज्ञ करते थे और वैदिक ब्राह्मणिज्म को इन्होंने जो है रिवाइव किया था। हाला जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद 13 या 17 रूलर थे, लेकिन मुझे अभी कंफर्म नहीं है इस बारे में। हालांकि ये जानना जरूरी भी नहीं है, जानना जरूरी यह है कि हाला ने किया क्या। हाला जो राजा थे इनको गत सप्तसाई भी कहते थे, गत सप्तसती। अभी जो गत सप्तसती थे इनको प्रकृति में गह सप्तसाई भी कहते थे। और इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। गह सप्तसती इन्होंने लिखी थी, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, और ध्यान रखना कि ये प्रकृति में लिखी थी। मैंने कहा ना, गह सप्तसती जो है प्रकृति में लिखी गई कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, और इसके जो पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, गत सप्तसती। गत सप्तसती लिखी क्या थी, गह सप्तसती प्रकृति में लिखी किसने थी, गत सप्तसती माने कि हाला। हाला को पॉइंट्स काफ़ी पसंद थी। इनके टाइमपिंग के मिनिस्टर गुंध्या थे, उन्होंने भी बृहत कथा लिखी थी। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि गुंध्या किसके मिनिस्टर थे, तो आप आंसर मिटिक कर दीजिएगा। गौतमी पुत्र सतकर्णी की बात करते हैं, ये करीब 23rd रूलर थे जहाँ तक मैं जानता हूँ। जानना क्या जरूरी ये है कि सतवाहना के बहुत ही पावरफुल रूलर रहे थे। ग्रीक्स को, पहलवास को, सकास को इन्होंने हराया था, खास करके जो नहापना जो रूलर था सका का, उनको हराया था। इनका राज्य किंगडम कृष्ण से, कृष्ण जो नदी है साउथ में, मालवा तक चलता था, सौराष्ट्र में भी था नॉर्थ में, और बेरार जो ईस्ट में है उससे लेकर वेस्ट के कोंकण तक था। इनको एक ब्रह्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक ब्राह्मण, द ओनली ब्राह्मण, एक ब्राह्मण। ठीक है, नहापना को इन्होंने हराया था जो कि बहुत ही पावर रूलर था नहापना। इनकी मदर गौतमी बलसारी थी और इनका नाम इसलिए गौतमी पुत्र रख दिया गया। एक चीज़ याद रखिएगा कि नाम जो है वो इनकी मदर पे क्यों आ रहा है, सोसाइटी में मदर की इम्पोर्टेंस बहुत थी इसलिए आया होगा। हाँ, लेकिन क्या इससे सोसाइटी मैट्रियार्चल हो गई थी, नहीं, सोसाइटी मैट्रिलिनियल ही थी। देखिए, मैट्रिलिनियल होता है कि किसी का नाम अपनी माँ के नाम पे पड़ जाए, माँ से जुड़ा हुआ हो उसका नाम। मैट्रियार्चल का मतलब होता है उसकी पूरी सोसाइटी ही माँ पे चले, इम्पोर्टेंस उसकी माँ को ही मिले हर फील्ड में, हर कदम, हर स्तर, हर लेवल पे। ऐसा नहीं था, केवल नाम था माँ पे, बाकी ऐसा नहीं है माँ की इम्पोर्टेंस नाम के ऊपर कुछ थी नहीं। थी, माँ इंस्क्रिप्शन भी डालती थी उस टाइम पे, मदर्स जो थी, वुमेन जो थी, काफ़ी इंपॉर्टेंस थी उनकी सतवाहना के टाइम पे, लेकिन सोसाइटी में रूलिंग पावर हमेशा मैन ही रही थी, इसलिए पैट्रियार्चल सोसाइटी वो थी। मैट्रिलिनियल भी थी, मैट्रिलिनियल मतलब मैट्रियार्चल नहीं थी, पैट्रियार्चल थी और मैट्रिलिनियल थी। लिनियल मतलब नाम जो है वो माँ के नाम से जुड़ता हुआ आ रहा है, लेकिन राज करने वाला अभी भी मैन ही है। तो सोसाइटी पैट्रियार्चल थी और मैट्रिलिनियल थी। पैट्रियार्चल तो इनका जो है किंगडम, जो रूलिंग जो पावर थी वो हमेशा से पैट्रियार्चल ही रही थी, लेकिन जो सोसाइटी में जो नाम है वो मैट्रिलिनियल तरीके से होता था। हालांकि मैं इसको लिखा नहीं हूं, तो आप जब भी अगर इसको नोट करें तो लिख लीजिएगा। वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमई और पुलवई सेकंड इनके बाद आए थे। वशिष्ठ पुत्र जो श्री सतकर्णी इनके बाद जो आए, वे बेसिकली उन्होंने रुद्रमन की बेटी से शादी की, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके द्वारा ही ये दो बार हार गए। तो बदला लेने
27th रूलर गए यज्ञश्री सतकर्णी और युद्रमन को हराया, और इनके बारे में मैं लिखना भूल गया। हालांकि आप याद कर सकते हैं कि नेवी को काफ़ी लेकर ये थोड़े इंटरेस्टेड थे, शिप्स इनके कॉइन्स पे गड़े हुए नज़र आते थे, तो शिपिंग को लेकर थोड़ा इनका जो है जागरूकता देखी गई। लास्ट जो सतवाना रूलर थे, अच्छा ये लास्ट ग्रेट रूलर थे यज्ञश्री सतकर्णी, ध्यान रखिएगा लास्ट ग्रेट रूलर, जो लास्ट रूलर थे जिनकी वजह से कमज़ोर हो गया राज्य और टूट गया, आगे बढ़ नहीं सका, उस राजा का नाम था पुलमई थर्ड, 30th रूलर, यानी 30 राजा सतवाहना के आ चुके थे, फर्स्ट थे सिमुका। प्रशासन की बात करें तो शास्त्र पे बेस प्रशासन था, राजा था, रूलर प्रिंसेस थे, उनके भी नाम थे कॉइंस पे, महारथी भी थे जो विलेजेस ग्रांट करते थे और मैरिटल रिलेशन रखते थे रूलिंग फैमिली से, महासेनापति और महातलवरा भी थे। इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर बैकबोन थी, काफ़ी अच्छा चलता था, ट्रेड भी था, ट्रेड तो काफ़ी अच्छा चला ही। रिलीजन और लैंग्वेज की बात करें तो मैं आपको कह चुका हूँ काफ़ी टॉलरेंट थे, हिंदू थे, ब्राह्मण थे, लेकिन बुद्धिज्म का सम्मान करते थे और दोनों को डोनेशन देते थे। हालांकि ब्राह्मणिज्म को पहली बार डोनेशन देने वाले ये इकलौते फर्स्ट रूलर बने जो ब्राह्मण जो थे उनको लैंड डोनेशन ये देने लग गए, और बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट की। तो देखा जा रहा है कि किस तरीके से टॉलरेंट थे, और आप गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे आगे तो आप भी देखोगे कुछ इस तरह की समानताएं उनमें भी पाई गई थी। तो जहां एक आप सीक्वेंस देखोगे कि जहां पे बाकी धर्मों का एक टॉलरेंस है वहां पे शांति बनी ही रही है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतने नहीं आए हैं। लैंग्वेज जो यूज़ की जाती थी उस टाइम पर प्रकृत यूज़ की जाती थी, और ट्रेडर्स काफ़ी अच्छे इससे खुश रहते थे, लड़ाई नहीं होती थी आपस में, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म दोनों मान के चलते थे एक दूसरे को। अब आप कह सकते हो कि दोनों के बीच में कट्टरता नहीं आती थी क्या, नहीं, दोनों को दान दिए जाते थे, और बुद्धिज्म जो थे बुद्धिस्ट जो थे वो अब इतने स्ट्रिक्ट नहीं रह गए जितने बुद्धा के टाइम पे थे, तो वो चाहते थे कि रूल बेस्ड सोसाइटी रहे, कानून का सब पालन करें। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि वर्णा सिस्टम को अपने तरीके से समर्थन देने लग गए थे, नहीं, वर्णा सिस्टम को वो अपोज नहीं करते थे, रूल बेस्ड सोसाइटी को सपोर्ट करते थे, और इससे क्या होता था उनको डोनेशन मिलता था और सोसाइटी में शांति बनी रहती थी, और ब्राह्मण तो फिर वर्णा सिस्टम को सपोर्ट करेंगे तो उनको भी डोनेशन मिलते रहते थे, राजा का फायदा, जनता का फायदा और संतों का फायदा, शांति चारों तरफ बनी रही। लैंग्वेज प्रकृति मैं आपको कह चुका हूँ, क्योंकि हालात जो थे उनकी अपन ने भी पोएम भी देखी, उसका नाम याद कीजिए, वो प्रकृत में ही थी। हालांकि संस्कृत का काफ़ी ज़्यादा उपयोग इन्होंने किया कुछ साहित्य कुछ लिटरेचर में, लेकिन ओवरऑल स्टेट लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज वॉज प्रकृत, प्लीज़ रिमेंबर दैट। सतवाहनस के बाद 3rd century AD में इशाकूज आए, इशवाकूस, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।